चिंकी और ये मिंकी स्वागत करते हैं। वाओ, कॉफी फेस ग्लैमर। लेकिन ये तो क्लियर कीजिए कि चिंकी कौन है और मिंकी कौन है। अरे अभी तो बोला कि मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। खैर ये बताइए कि आप यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ बड़े फेवरेट स्टार्स को देखने आई हूँ। ओह अरे वाह, क्या बात है। कौन से टीवी शोज देखती हैं आप लोग? कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, कसौटी जिंदगी की, तारा फम सितारा, तारक मेहता उल्टा चश्मा, पटियाला बेस, ये रिश्ता क्या कहलाता है, गुंडन तुमसे ना हो पाएगा, बेहद नजर और इंडियन आइडल, बिग बॉस, कौन बनेगा करोड़पति। आप लोग कपिल शर्मा शो नहीं देखती हैं? उसमें तो हम आते हैं ना बुद्धू। आपने मुझे बुद्धू क्यों बोला? मैंने थोड़ी बोला, इसने बोला। अच्छा जिसने भी बोला चलिए सॉरी बोलू। अरे जो मैंने बोला ही नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? इससे कहो ये बोले। मैं यहाँ बड़े खास काम से आई हूँ, एक टीवी एक्टर मुझे बहुत पसंद है, उसे प्रपोज करने आई हूँ। एक मिनट, ये आपको पसंद है या फिर आपको पसंद है? मुझे पसंद है, इसका पता नहीं। हाँ? कपिल भाई अभी पता चला कि आप लड़कों को साड़ी क्यों पहनाते हो, जब असली वाला ग्लैमर इतना कंफ्यूज करता हो तो नकली से काम चलाना बेहतर है। कौन है वो खुश नसीब बंदा? वो बहुत अच्छा एक्टर है, टीवी पे आता है। टीवी पे एक्टर ही आते हैं, कोई प्लम्बर और कारपेंटर तो आते नहीं है। साफ साफ बताइए ना कौन है वो? वो क्यूट है, स्मार्ट है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, विटी है, कुल मिला के मेरा चोना बाबू है। चोना बाबू। मैंने उसका बायोडेटा नहीं पूछा, आप सीधा सीधा नाम बताइए ना कौन है वो? हमारे यहाँ रिवाज है कि जिस लड़के से प्यार करते उसका नाम नहीं लेते। ओ मैडम, ये कहीं का रिवाज नहीं है, ये तो अपनी बीवियां जो है वो अपने पतियों के लिए करती हैं। हाँ तो मैं उसे अपना पति ही मानती हूँ। आप पति मानती हो या फिर आप पति मानती हो? मैं तो मानती हूँ, इसका पता नहीं। ये ना हो कि तुम लोगों के चक्कर में मुझे जो कुछ पता है मैं वही भूल जाऊं। एक काम करें, एक ऐसी कुछ चीज बताइए जिससे साफ साफ पता चल जाए कि वो कौन है। आजकल वो इंडियन आइडल होस्ट कर रहा है। अरे क्या बात है, आपको मैं पसंद हूँ। हे भगवान, यहाँ तो एक भी लड़की नहीं फंस रही थी, यहाँ तो डायरेक्ट दो-दो से प्रपोज मिल गया। अरे तो एक मिनट, दोनों ने क्या प्रपोज किया, सिर्फ इसने किया? मतलब क्या, तुम इसे पसंद हो? मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं हो। अरे अभी तो तुमने कहा था कि तुमको मैं पसंद हूँ। मैंने थोड़ी कहा था, इसने कहा था। मैं हंसू या रहूं? अरे अभी तो आपने कहा था कि आप दोनों में से कोई एक है। दो कहा है, मैं तो एक ही हूँ। मुझे चक्कर आ जाएंगे। इतना तो हमारे डेली सॉन्ग भी कंफ्यूज नहीं करते जितना इन दोनों ने मुझे कर दिया है। तुम लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है, हम लड़कियों को समझते ही नहीं हो, सारा मूड खराब कर दिया। मैं जा रही हूँ, अब तुम्हें कपिल शर्मा ही देखेंगे। अरे वो मुझे क्यों देखेंगे? अरे तुम इंडियन आइडल कर रहे हो, उनका फेवरेट शो है, उसमें देखेंगे। जख्मों पर नमक छिड़क दिया। बंदा कितनी भी कोशिश करे ये भूलने की कि आजकल टीवी पे उसका कोई शो ही नहीं आ रहा, पर फिर भी लड़कियां भूलने नहीं देती हैं यार। अरे इसी बहाने में सारे प्रोड्यूसर्स को याद दिला रही हूँ कि आजकल तुम एकदम वेले हो। क्या बात है, दोनों लड़कियां कुछ ज्यादा ही समझदार है ना वो माइंड। एक काम करो, आज दोनों साथ में मत बोलो। मैं साथ में कहाँ बोल रही हूँ, मैं अलग बोल रही हूँ, ये अलग बोल रही है। हाँ हाँ यार, तुम दोनों अलग अलग बोल रही हो, अच्छी बात है, मगर सुनाई तो मुझे एक साथ दे रहा है ना यार। तो इसमें मेरी क्या गलती? गलती ना तुम्हारे कानों की है, अगर तुम्हें अलग अलग सुनना है तो दोनों कान से अलग अलग सुन लो।
एक मिनट देखो मिंकी, ये मेरे साथ छान पट्टी मत करना, ओके? मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। अरे हाँ, तो मैं तुम ही से कह रहा हूँ मिंकी, प्लीज। अरे बोला ना, मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। अरे यार कसम से, इतना कंफ्यूज तो खिचड़ी की हंसा ने नहीं किया जितना ये दोनों कर देती हैं यार। दो कहाँ हैं, मैं तो एक ही हूँ। देखो वैसे मैंने सब टीवी पे तुम्हारा शो देखा है, हीरो गायब मोड ऑन। वहां पे तो दोनों अलग अलग बोलती हो, यहाँ पे नहीं बोल सकती? मैं तो बोल सकती हूँ, इसका पता नहीं। ओहो मनीष, तुम तो सीरियस ही हो गए। मैं यहाँ तुम्हें कंफ्यूज करने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ अपने फेवरेट टीवी स्टार से बात करने आई हूँ। फेवरेट टीवी स्टार? वैसे कौन है तुम्हारा फेवरेट स्टार? जेठालाल, जस्सी, प्रज्ञा, प्रीता, प्रेम, प्रेरणा, एसी, प्रतिमा, नंगूरी भाभी, संध्या राठी, सूरज राठी, बबीता जी, बाबू जी, सपना, बच्चा यादव और हाँ कार्तिक और नायरा। ए, मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे पापा का हाईवे पे ढाबा है क्या? नहीं तो नहीं क्यों? अरे इसलिए क्योंकि इतनी स्पीड में तो ढाबे का वेटर ही बोलता है ना अपना मेन्यू, इतनी तेज बोल रहे हो, क्या बात है, क्या स्पीड है लड़कियों की, वेरी नाइस। लेकिन नहीं, मुझे एक ही बात का थोड़ा दुख है। दुख ये कि तुमने 40 नाम लिए। नहीं, 42। ओके, तुम लोगों ने 42 नाम लिए लेकिन मेरा नाम नहीं लिया, मैं तुम्हारा फेवरेट नहीं हूँ। अरे तुम मेरे फेवरेट थोड़ी हो, तुम तो मेरा क्रश हो। मरवाए की पगली। अच्छा चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, शो के बाद कोई चाय कॉफी डेट? हाँ, मैं ऐसे ही किसी का डेट पे नहीं जाती। अरे यार अभी तो तुमने बोला था मैं तुम्हारा क्रश हूँ। मैंने थोड़ी बोला, इसने बोला। ये मतलब एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लड़के ना बहुत कंफ्यूज करे, इसीलिए मैंने तुम्हें सीरियसली नहीं लिया था। तुम लड़के भी ना अजीब ही होते हो, वैसे तो लड़कियों के पीछे पड़े रहते हो लेकिन जब लड़की सामने से कहती तुम उसके क्रश हो तो उसे सीरियस नहीं लेते। एक मिनट, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे सीरियसली लेना इस इंडस्ट्री में, मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ। हाँ बाहरी कोई कह रहा था कि तुम काफी पुराने हो चुके हो, इसलिए इस इंडस्ट्री को नए एंकर्स की तलाश है। कौन बोला ये? शशि रंजन जी ने। लेकिन मैंने तो कह दिया, आप टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट टाइम से मैं होस्ट कर लूंगी। मैं होस्ट कर लूंगी। नहीं देखो चिंकी मिंकी, क्या है ना, ये इंस्टाग्राम नहीं है जहाँ पे वो 3-3 सेकंड 5-5 सेकंड के बूम रैंक्स बनते हैं, ये आईटीए है, यहाँ पे 3 घंटे के लिए नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है। क्या है तुम में इतना टैलेंट? देखो मनीष, जब ग्लैमर से काम चल रहा हो तो फिर टैलेंट की क्या जरूरत। यार अगर दोनों स्कैम सीरीज में होती ना, मुझे लगता है हर्षद मेहता खुद ही कह देता मैं तारक मेहता बनने को तैयार हूँ, प्लीज मेरा पीछा छुड़वा दो इन दोनों से। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ, शो के बाद मेरे साथ डेट पे चलोगे? एक्सक्यूज मी, मैं बिल्कुल नहीं चलूंगा, क्योंकि अगर मैंने हाँ कह दिया तुमको कि नहीं मैंने नहीं कहा था, इसने कहा था, आई डोंट टेक इट सीरियसली। इस बार तो दोनों ने कहा था लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब है, दोनों के साथ डेट पे जाने का मौका मिस कर दिया। पुअर चैंप, ओके बाय।